हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बजे हैं 9, उठे हैं, नहाए हैं, धोए हैं और ये मेरा नया व्लॉग है। आज मैं कुछ नया करने की सोच रहा हूँ, कुछ नया करूंगा और जरूर आपको दिखाऊंगा। हे गाइस, आए हैं घर। निपुण उठा है अभी और मोबाइल में बिजी था, मेरे को देख के रखा है मोबाइल। प्रीति आ चुकी है चाय लेकर, नहाई है, अभी तक नहाई नहीं है। आज थोड़ा काम कर रही थी, ये बिजी थी, अब नहाएगी। और बजे हैं लगभग 12:20, चाय पी रहे हैं। लेट आ रहा हूँ आजकल चाय पीने के लिए। हे गाइस, सूर्य आ गया है और मुझे भाग रहा है, मुझे मिला है नीचे नीचे मिला है मुझे। मैं नीचे था, अब मैं आया हूँ ऊपर। इतना भारी बैग लेके गया हुआ था आज, ये देखने वाला है गाइस, पता नहीं कैसे उठा लेता इतना भारी बैग। और देखो आते ही साहब जी कितने शरीफ बच्चे की तरह बैठे हुए हैं, जरा देखने वाली बात है। दिख रहा है आप सबको, भोला बाबा है, जमा भोला बाबा। निपुण छेड़ रहा है इसको, थका हुआ है, अभी थोड़ी देर में नॉर्मल होएगा। हे गाइस, अभी हुआ है 7:15 और हम हुए हैं रेडी जाने के लिए कहीं बाहर। कहाँ जा रहे हैं हम? पता ही नहीं इनको, मैं इनको लेके जा रहा हूँ एक सरप्राइज वाली जगह पर। सरप्राइज देंगे कुछ इनको, लेके जा रहे हैं पिहुगनिष्का को, लेते हैं घर से। और साथ में है प्रीति, रेडी हो चुकी है, अब निकल रहे हैं यहाँ से। हम निकलेंगे अभी सब के सब, मैं उनको लूंगा आज और हम सब निकलेंगे यहाँ से अभी। क्या कह रहे बेटा? नीचे लाओ। ये देखो, ये बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता है मेरे हाथ पे। ये देखो, ये हमारा न्यू बॉक्सर हमारे घर में रेडी हो रहा है, न्यू बॉक्सर। गाइस निकल लिए हैं अब हम। ये देखो शोले से तो सहन नहीं हो रही, खुशी इतनी ज्यादा हो रही है इसको। निपुण साथ है, प्रीति भी साथ है, हम सब निकले हैं यहाँ से। पीहू और लेंगे पहले, उसके बाद जाएंगे हम, कोई नई जगह है वहां जाके देखते हैं आज कैसी है। तो अभी हम निकले हैं पीहू और गणिष्का को लेने। पीहू और गणिष्का को लेके हम चलेंगे कहीं, देखते हैं कहाँ लेके जाते हैं ये हमें आज। सरप्राइज। राम राम बेटा। गणिष्का तो आ चुकी है और पीहू दीदी कहाँ है? पीहू दीदी आ रही है। और मम्मा भी आ रही है क्या? नहीं, मम्मी नहीं आ रही। मम्मी पापा नहीं आ रहे? खुला है बेटा, आप आओ तो सही अंदर। मम्मी बात कर दो, आ रही नहीं। तो गाइस पीहू है, गणिष्का है, निपुण है और शौर्य, सभी साथ में हैं। और साथ में है प्रीति और मैं गाड़ी चलाऊंगा। सब यहाँ से एक नई जगह मिली है, पता चला है कि वहाँ जाना है आज। वहाँ जाके देखते हैं कि कैसा है वहाँ सब कुछ। तो गाइस हम आए हैं एमिनेंट मॉल। एमिनेंट ये है एमिनेंट मॉल, कभी देखा? तो गाइस हम आए हैं एमिनेंट मॉल में। गाइस बहुत बढ़िया, दिल्ली लेवल पे बना हुआ है ये। हिसार का एकमात्र मॉल है जो बहुत बढ़िया, और ये है चार्ट हाउस। गाइस मैं तो देख के हैरान हो रहा हूँ, यहाँ तो बहुत बढ़िया तरीके से सजाया गया है इसको। गाइस ऊपर लटकाए हुए हैं इन्होंने गिफ्ट। तो गाइस एक्सीलेटर चूड़ी सीढ़ियों पे आए हैं जो चली हुई है इस हार में, मुझे मैंने पहली बार देखा है गाइस, वैसे ये और कहीं मैंने देखी नहीं है अभी तक। सभी जा चुके हैं ऊपर और गणिष्का और मैं रह गई हैं। गणिष्का डर रही है थोड़ा सा गणिष्का डर रही है। और सभी ऊपर आ गए हैं हम। गाइस घूमने की जगह तो है वैसे, ऊपर से नजारा कुछ ऐसा है। ये चाय वाले भैया है, ये चाट वाले भैया। और गाइस ये है ऊपर का नजारा, ऊपर भी शोरूम काफी अच्छे खुले हुए हैं। गाइस बच्चे लगे हुए हैं एक्सीलेटर पे जाने के लिए, अभी देखते हैं क्या है। और इसमें पास जाते हैं तब चलती है, चल नहीं रही वो, अब तो चल नहीं रही, ये कह रहे थे लेग सेंसर है। नीचे वाली में तो है लेग सेंसर। क्या हुआ? टॉप है।
गाइस यहाँ खुला हुआ है स्कैरी हाउस, बट मैं तो जाऊंगा नहीं अंदर, मुझे तो लगता है डर। गनिष्का का मन है अंदर जाने का, अकेली जाएगी नहीं। लगे हुए हैं सब गाइस, एक्सीलेटर सीढ़ियां बंद हैं। गनिष्का का देखो, गनिष्का ऐसे तो भूत बंगले में जाना चाहती है, लेकिन सीढ़ियों से डर लग रहा है इसको। ये देखो, ये हमारा लड़का देखो, ये तो दीवाना हुआ पड़ा है बिल्कुल। मुझे समझ नहीं आ रही किस लिए दीवाना हो रहा है। और पीहू आगे आगे, पीहू रुक जा यार, क्या बात, भागे क्यों जा रही है, क्या बात होगी ऐसी। गाइस ये गाड़ियां हैं, रेंट पे राउंड लगवाते हैं ये। और इधर खुला हुआ है छोटा सा एक काउंटर, काफी अच्छा लग रहा है। तो गाइस अब हम आए हैं बर्गर किंग मॉल के अंदर है ये बर्गर किंग। आज भीड़ नहीं है, खाली पड़ा है मुझे लग रहा है बिल्कुल ही। बाकी हम लोगों ने तो बर्गर खाना है, शौर्य और नेपोन बोल रहे थे बर्गर खा लेंगे, इसीलिए बर्गर लेने आ गए हम यहाँ पर। तो गाइस बर्गर आ चुके हैं हमारे, सभी लेंगे अपना अपना, सारे अपना अपना बर्गर ले लो, सभी अपना अपना बर्गर खाएंगे। मैं तो खाना नहीं ज़्यादा है, मैं तो खाऊंगा हाफ। और गाइस ये है सूप वाला मशहूर हिसार का, यहाँ आए हैं सूप पीने। प्रीति को इसका सूप पसंद है, निपुण भी पी रहा है, और प्रीति को इसका सूप काफी पसंद है, इसलिए मैं सूप पी रही हूं। प्रीति ने बर्गर नहीं खाया इसीलिए सूप पी रही है, और मैं तो सब कुछ खा लेता हूँ थोड़ा थोड़ा। तो गाइस ये देखो इनकी मस्ती देखो आप, शोरे के हाथ से पानी गिंड गया तो गणेश का उसको छेड़े जा रही है। रहने दे शोरे, रहने दे भाई। गाइस थोड़ा सा मैंने बर्गर खा लिया, अब मैं लूंगा सूप, थोड़ा सा हाफ बाउल सूप ले लूंगा। पीहू मुंह बना के बैठी है मुझे लग रहा है, नहीं पीहू ने मुंह नहीं बना रखा आज, पीहू तो आज नॉर्मली ऐसी होगी, हंसती है पता नहीं रोती है, नॉर्मल मुंह में रहती है, इसका पता नहीं लगता हमारे को। देखो इतनी शर्मा रही है अभी से ही, अब देखो कुछ बोलने को बात ही नहीं। गनिष्का कुछ बोल के दिखा दे आज तू भी, वो देखो आज गनिष्का भी चुप होगी है, अच्छा खड़ी हो रही है क्या बोलने के लिए। वो देखो बस दांत दिखा दिए, कह रही है दांत दिखा दिए मैंने, और सूप लेके आते हैं पीहू के लिए, प्रीति के लिए सूप लाना है, अभी एक बाउल बाकी है। तो गाइस अब आ रहे हैं हिसार की राजगुरु मार्केट। राजगुरु मार्केट में रौनक बहुत होती है, लेकिन इस टाइम बिल्कुल सुनसान है। हमारे निपुण आया हुआ है, निपुण ने कहा है कि मैं मोमोज खाने हैं, तो अब देख रहे हैं गाइस निपुण के लिए अगर मोमोज मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो जाएंगे वापस। सूप पी चुके थे, सूप पी लिया था इन्होंने, और अब बोल रहे हैं कि निपुण बोल रहे हैं मोमोज खाऊंगा, देखते हैं अगर मिलता है तो मोमोज वाला। मिल गया है तो सही मोमोज वाला, पहले गाड़ी साइड में लगा देते हैं फिर लेते हैं। तो अब यहाँ उतरेंगे पीहू और गनिष्का, दोनों उतरने को तैयार खड़े हैं, और बाहर आएंगे और अपने घर जाएंगे दोनों के दोनों। चल दोनों गए, बाय। दोनों जा चुके हैं अपने घर, और अब हम भी जाएंगे अपने घर। निपुण आज हमारे पास ही है, निपुण हमारे घर ही सोएगा क्योंकि फीफा खेलते हैं ना। गाइस आ गए हैं घर, स्कूटी लगाई है चार्जिंग पे, और गाड़ी खड़ी करके आए हैं घर स्कूटी चार्जिंग पे लगा के निपुण। और ये शोर है, ये चाइनीज डांस, ये देखो ये है चाइनीज डांस, ये बगैर म्यूजिक के होता है सर। गाइस देखो ये, हाँ ये होता है चाइनीज डांस, ये करता है कभी कभी चाइनीज डांस, और अब करके थक गया और ये आ गया मेरे पास। ये देखो ये इसकी कलाबाजियां देख लो, और अब करूंगा एडिटिंग, उसके बाद डालूंगा चैनल पे वीडियो मेरी आज की, अपलोड करूंगा। ओके, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें गाइस, मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज्यादा जरूरत है, और आप सबके साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। और शौर्य कुछ कहना चाह रहा है, सब्सक्राइब और वो बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं गाइस, तभी मेरे तभी मेरी मेहनत सफल हो पाएगी, जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे, और मुझे आप सबके साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। गुड बाय।